सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लॉकडाउन में ढील बिहार में भी मिलेगी। हालांकि इससे पहले ये खबर आ रही थी, ये बयान आ रहा था कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में लॉकडाउन में ढील नहीं मिलेगी, जैसे दूसरे राज्यों में ढील दी जा रही है। और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी किए हैं, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन से दफ्तर खुलेंगे, क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, उस निर्देश के हिसाब से बिहार में लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अब लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है, बड़ी खबर आ गई है कि बिहार में भी अब लॉकडाउन में ढील मिलने जा रही है। एक आदेश जारी किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि बिहार में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी, उन्होंने उनकी तरफ से जो आदेश और निर्देश जारी किया गया है उसके मुताबिक जिलाधिकारी अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कौन कौन सी दुकानें खुलनी हैं, दुकानें रोज़ खुलनी हैं या फिर आज इन चीज़ों की दुकान को खुलनी है, कल इन चीज़ों की दुकान को खुलनी है, ये उस आदेश में कहा गया है। हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुलेगी, लॉकडाउन में क्या क्या ढील मिलने जा रही है। बिजली के सामानों की दुकानें, पंखा कूलर एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यानी मोबाइल कंप्यूटर यूपीएस बैटरी की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। ऑटोमोबाइल टायर मोटर गैरेज कार बाइक मरम्मती की दुकानों की खोलने की अनुमति दे दी गई है। बिहार में निर्माण सामग्री के भंडारण की बिक्री के संस्थानों की खोलने की इजाज़त भी दी गई है। सीमेंट छड़ गिट्टी बालू ईंट प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर पेंट आदि की दुकानें इसमें शामिल हैं। हालांकि कुछ दुकानें जो खुलेंगे उनके साथ कुछ शर्त भी लगाई गई है और जिसमें शर्त है वो यह है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक दिन के अंतराल पर खोली जाएंगी, वही गैरेज और वर्कशॉप रोज खोला जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिलाधिकारी को ये अधिकार होगा, ये निर्णय जिलाधिकारी लेंगे कि कुछ दुकानें रोज़ खोलनी हैं या उनको रोज एक दिन के अंतराल पर खोला जाना है। तो स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल की दुकानों के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, लॉकडाउन में ढील बिहार में भी मिलेगी जैसे दूसरे राज्यों में मिल रही है। और क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, वो हमने आपको बता दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।